लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम आइदर फोकाई ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस इज। देखो ये हाइपरबोला है तो फोकस से ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकाई, फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका लोकस बताना है क्या होगा। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। देखो हम लोग समझते हैं अच्छे से, ये जो हाइपरबोला है इसको लिखते हैं। तो हाइपरबोला लिखा हुआ 16y² - 9x² = 1 है, तो y² / 1/16 - x² / 1/9 = 1 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और हम अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे, एक्स को लिखेंगे पहले तो होगा x² / 1/9 - y² / 1/16 = 1 होगा, -1 होगा ना, क्योंकि एक्स को लिखेंगे पहले वाई के बाद में इधर -1 आ जाएगा। तो ये जो हाइपरबोला है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना। अब जब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो हम एक डायग्राम बना के, रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो ये जो हाइपरबोला है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, मतलब ये इस टाइप से होगा, ठीक है। और देखो इस पर कोई टेंजेंट है, इस पर कोई टेंजेंट लेते हैं, ये कोई टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पर। तो अगर हम कोई टेंजेंट है ये, जैसे मान लो ये फोकस है ना, फोकस से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल यही परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मान लो इस जो टेंजेंट है इस फोकस से टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो कोई भी टेंजेंट होगा, वेरिएबल टेंजेंट है, टेंजेंट अगर चेंज करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस आएगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी होता है, हाइपरबोला में प्रॉपर्टी होता है कि फोकस से किसी वेरिएबल टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा ऑग्जिलरी सर्कल पर लाई करेगा। ये प्रॉपर्टी होता है, वो हमेशा ऑग्जिलरी सर्कल पर लाई करेगा। अब इस हाइपरबोला के लिए यहाँ जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लोकस क्या होगा, ऑग्जिलरी सर्कल होगा। अब इस हाइपरबोला के लिए ऑग्जिलरी सर्कल का इक्वेशन लिख देते हैं, इसका इक्वेशन क्या होगा, ऑग्जिलरी सर्कल जो होता है ना वो हाइपरबोला से कॉन्सेंट्रिक होता है, तो सेंटर तो ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस हो जाएगा ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस जितना होगा वही हो जाएगा रेडियस। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये देखो 1/4 का स्क्वायर, तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 1/4। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक सर्कल का x² + y² = ये सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस 1/4 मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। तो इक्वेशन होगा x² + y² = 1/16, यही हो जाएगा ऑग्ज़ीलियरी सर्कल का इक्वेशन जो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस। देखो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन।